युवक सेना के सभी सदस्य लोग आज मोतिहारी में इसलिए यह महत्वपूर्ण बैठक रखा गया और आज काला पट्टी अपने मुंह पर लगा के हम लोग प्रशासन के गलत रवैये का और गलत व्यवस्था का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कहना यही है कि आज से 20 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष स्वर्गीय जयंत ठाकुर जी की हत्या हुई थी, लेकिन आज तक प्रशासन हत्यारे को पकड़ना तो दूर की बात है, हत्या की जगह के बारे में पता नहीं लगा पाई है। इसलिए हमें यही कहना है कि जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी हो और साथ में निर्दोष नौजवानों पर जो केस किया गया है, जो परिवाद दायर किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसे जल्द से जल्द उस झूठे केस को वापस किया जाए। किसी न किसी के दबाव में आके प्रशासन ने यह केस किया, इस केस को जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो यहाँ पे आंदोलन हम लोग करेंगे चरणबद्ध और आगे 5 या 6 रोज के बाद हम लोग प्रदेश में जाके भी आंदोलन करेंगे प्रशासन के इस गलत रवैये के खिलाफ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज भी आम आदमी का विश्वास प्रशासन पर इस तरह है कि अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, कोई किसी को छेड़ता है, तंग करता है, मारता है या पीटता है, तो उस वक्त, उस कठिनाई के वक्त उस आम आदमी को, उस नौजवान को, किसान को एक ही आदमी याद आता है और वो है प्रशासन, वो है पुलिस। और इस स्थिति में अगर प्रशासन, अगर पुलिस ही आम आदमी पर, किसान पर, मजदूर पर अगर झूठा केस करे किसी के दबाव में आके, अगर उसको फंसाने की साजिश करे, उस पर अत्याचार करे, उसके साथ अन्याय करे, तो कैसे एक आम आदमी, कैसे एक किसान, कैसे एक नौजवान प्रशासन पर विश्वास करेगा अगर प्रशासन मदद के भरोसे विश्वासघात करती है। तो हमें आशा और पूरा विश्वास है कि आगे प्रशासन हम लोग की मदद करे और प्रशासन न्याय का साथ दे, किसी के बहकावे में आकर, किसी के दबाव में आकर गलत काम ना करे, झूठा केस ना करे। हम देश के भविष्य हैं, हमारे साथ खिलवाड़ ना किया जाए, हमारे साथ भद्दा मजाक ना किया जाए, यही आग्रह है जिला प्रशासन से। नहीं तो नवयुवक सेना सच्चाई के लिए लड़ती है, गलत का विरोध करते आई है और आगे भी गलत का विरोध करते रहेगी, चाहे हम लोग को जेल भी जाना पड़े। अगर हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो हजारों की संख्या में जाके हम मोतिहारी सिविल सीजीएम साहब के पास जाके गिरफ्तारी देंगे, हजारों की संख्या में लोग जाके गिरफ्तारी देंगे अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो। मुझे इतना ही कहना है, जय हिंद, जय चंपारण, जय नौजवान।